हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 3, फ्रैक्शंस, अपनी क्लास 7 की सलीना बुक में से। देखिए, सबसे पहले हमें समझना है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस की। फ्रैक्शन कितनी टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले आप किसी भी नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट करें, जैसे हमने लिखा 5/3, ये आपकी फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शंस के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। सबसे पहले डेसिमल फ्रैक्शन, जिन नंबर्स की जो डिनोमिनेटर है, ये जो हमारा डिनोमिनेटर होता है, इस 10 और अ हायर पावर ऑफ 10। पावर ऑफ 10 मीन्स जैसे 10 के बाद 100 आ जाए, 2 जीरोज़, 3 जीरोज़, 4, 5 एंड सो ऑन। नीचे 10 के साथ ही उसकी पावर इंक्रीज हो रही है, वो सारी आपकी डेसिमल फ्रैक्शंस हैं, क्योंकि आपको उसको डेसिमल में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। डेसिमल में आप सारी फ्रैक्शंस को ही कन्वर्ट कर सकते हैं डिवाइड करके, बट जिनके नीचे 10, 100, 1000 व 10 या उसकी हायर पावर आती है, उनको हम डेसिमल फ्रैक्शंस बोलते हैं। जिनके डिनोमिनेटर में 10 और उसकी हायर पावर्स नहीं आती, मतलब 10, 100, 1000 ये नहीं आ रहे हैं, कोई भी और नंबर है, 10 इनको छोड़ के कोई भी और नंबर है, वो आपकी वल्गर फ्रैक्शंस हैं। फिर आगे प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन होती है जिसका हमारा जो न्यूमिरेटर होता है, देखिए ये न्यूमिरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, जिसका न्यूमिरेटर ऑलवेज स्मॉलर देन होता है डिनोमिनेटर से, और इम्प्रॉपर जिसका न्यूमिरेटर ग्रेटर देन होता है डिनोमिनेटर से। 7 is greater than 5, तो यहाँ पे न्यूमिरेटर बड़ा होता है, इम्प्रॉपर में न्यूमिरेटर ग्रेटर होता है, और प्रॉपर में न्यूमिरेटर स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर होता है। अब मिक्स फ्रैक्शन एक ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसमें एक होल नंबर होता है और दूसरी प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। याद रखना है प्रॉपर, इम्प्रॉपर नहीं, क्योंकि हमेशा यहाँ पे जो होगा 2 5/7, देखिए 5/7 अगर लिखा है तो 5 smaller than 7 है, इट मीन ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये हमने सारी फ्रैक्शन को कर लिए। हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। अब देखिए नंबर 1 में हमें क्या बताना है, क्लासीफाई ईच फ्रैक्शन गिवन बिलो एज डेसिमल और वल्गर फ्रैक्शन, प्रॉपर और इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शन। तो हमने अभी समझ ही लिया कि कौन से डेसिमल फ्रैक्शन होती है, वल्गर फ्रैक्शन क्या है, प्रॉपर इम्प्रॉपर, ये सब हमें पता है। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए 3/5, जिसका डिनोमिनेटर भी 1, 0, 100, 1000 ऐसे है, वो कौन सी होती हैं, डेसिमल फ्रैक्शन। तो उसके अलावा सारी फ्रैक्शंस क्या होती हैं, वल्गर फ्रैक्शन। तो ये वाली फ्रैक्शंस क्या हो गई हमारी, हम इसको लिख देंगे वल्गर फ्रैक्शन। एंड और भी आपने बताना है, ये वल्गर फ्रैक्शन भी है और क्या है, अगर हमारा न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोलते हैं। तो ये क्या हो गई, वल्गर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहाँ पे देखिए, हमारा न्यूमिरेटर ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर से, तो ये आपकी हो गई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड इम्प्रॉपर के साथ साथ ये कौन सी फ्रैक्शन है जिसके नीचे 10 और 10 की पावर को, जैसे 100, 1000 ये आएंगे, वो कौन सी होती है, डेसिमल फ्रैक्शन। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। अब देखिए थर्ड पार्ट में यहाँ पे क्या है, 13/20, तो न्यूमिरेटर क्या है, स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। एंड यहाँ पे 20 है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, डेसिमल फ्रैक्शन। ये डेसिमल फ्रैक्शन क्यों है, देखिए जब भी कोई ऐसा नंबर आ रहा है जिसको आप 10, 100 या इसी की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे देखिए 13/20 है, अगर हम 20 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर हमारा बन गया 65 और नीचे आ सकता है 100, तो यहाँ पे 100 बन गया, इसलिए हम इसको क्या लिख देंगे, डेसिमल फ्रैक्शन। यहाँ पे हम 7 को तो ऐसे नहीं रिप्रेजेंट कर सकते 10 या उसकी किसी भी हायर पावर में, तो ये कौन सी होगी हमारी, वल्गर फ्रैक्शन। एंड ध्यान से देखने, हम जब हमारा न्यूमिरेटर ग्रेटर देन है तो ये हो जाती है हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब हमारे पास एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होती है तो उसको हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। तो ये कौन सी फ्रैक्शन है, ध्यान से देखना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एज मिक्स फ्रैक्शन। अब देखिए इम्प्रॉपर को मिक्स कैसे बनाते हैं, जब भी आपके पास कोई नंबर इम्प्रॉपर मीन जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर देन है, तो उसको मिक्स बनाने के लिए आपको क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड। जैसे 5 के टेबल में 18 नहीं जाता, तो 5 3 15 आ गया, देन यहाँ पे हमने इसको माइनस कर लिया, 8 में से 5 गए 3। अब आपको कैसे लिखना है, इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है। सबसे पहले आपको लिखना है 3, देन ये आपका होल नंबर आ गया, रिमाइंडर आ जाएगा आपका ऊपर, और 5 एज इट इज़ जैसे डिनोमिनेटर में था, तो हमारी मिक्स फ्रैक्शन बन गई 3 3/5। ऐसे हम इसको बना लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 1 4, और आपका रिमाइंडर क्या आ गया, 3। तो सबसे पहले आप 1 लिखेंगे होल नंबर, जो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर में आता है वो आपको लिखना होता है न्यूमिरेटर में, एंड देन डिनोमिनेटर में हमारा 4 एज इट इज़
आ गया। अभी अब यहाँ पे इसको भी कर लेते हैं, 25 है, 6 से किया, 6 फोर जहाँ होता है 24, 1 हमारा रिमाइंडर है, 4 आएगा होल नंबर पे, 1/6। नेक्स्ट नंबर है 38, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 सेवन ज़ा क्या होता है 35, आपका रिमाइंडर आ गया 3। देन अब क्या लिखोगे, 7 आपका होल नंबर है, रिमाइंडर आ गया यहाँ पे, एंड 5 एज इट इज़ डिनोमिनेटर में। देन 22 को 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 फोर ज़ा 22 इज़ द रिमाइंडर, तो 4 होल नंबर में आ गया, 2 पर आ गया, एंड 5 नीचे। तो ये सारी बन गई हमारी मिक्स फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर से मिक्स्ड। अब यहाँ पे देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन एज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। लास्ट क्वेश्चन में हमने इम्प्रॉपर से मिक्स बनाया, अब हमारे पास मिक्स्ड है, हम बनाएंगे इम्प्रॉपर। तो ध्यान से समझना हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, हमारे डिनोमिनेटर को इससे होल नंबर जो है उससे करना होता है मल्टीप्लाई। तो 9 2 18 आ गया, देखो आपको 9 2 18 प्लस, जब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम और ऊपर जो हमारा आंसर आएगा उसको इसमें क्या कर देना है ऐड। तो पहले 9 को 2 से मल्टीप्लाई करने हैं ध्यान से, देन 4 कर देने ऐड नीचे वाला नंबर एज इट इज़। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 9 2 18, 18 प्लस 4 22/9। अगेन 13 × 7 करेंगे और 5 उसमें क्या कर देंगे ऐड। 13 7 का कितना होता है आपके पास 91, एंड 91 में हम 5 ऐड कर देंगे तो आपके पास आ गया 96/13। 4 3 ज़ा यहाँ पे हम लिख देते हैं 12 आ जाएगा, देन 1 कर देंगे ऐड, तो 4 3 ज़ा 12 + 1 13/4। ये बन गई हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देन 48 × 2 यहाँ पे हम पहले ऐसे लिख देते हैं, प्लस कर देंगे 5, नीचे 48 एज इट इज़, 96 में आपको 5 ऐड करने हैं, हमारे पास आ गया 101/48। देन अब देखिए 11 × 12 करने हैं, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, ये ऐसे लिख देंगे, 1 को ऐड करने है, 11 12 आ गया 132, 7 इसमें ऐड कर देते हैं, आंसर आ गया 139/11। ये सारी हमने मिक्स से बना ली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को भी, रिड्यूस द गिवन फ्रैक्शंस टू लोएस्ट टर्म। लोएस्ट टर्म का मतलब होता है जिसको हम और आगे डिवाइड नहीं कर सकते, इट मींस एक ऐसी फ्रैक्शन आ जाएगी जो आगे किसी भी टेबल में एक साथ नहीं जाते, उसके डिनोमिनेटर न्यूमिरेटर। यहाँ पे देखिए 8 और 18 दोनों 2 के टेबल में जाते हैं, उनकी कटिंग करते हैं 2 के टेबल में, 2 फोर ज़ा 2 नाइन ज़ा, क्या 4 एंड 9 किसी टेबल में जाते हैं एक साथ, नो। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 4/9। इट मींस 4/9 क्या है, लोएस्ट टर्म, इसको हम आगे रिड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों नंबर किसी टेबल में एक साथ आते ही नहीं है। देन 27 and 36, तो आप सबको पता है ये दोनों नंबर 3 के टेबल में जा सकते हैं, 3 9 and 3 12, 3 1 3 2, अगेन 3 के टेबल में जा रहे हैं, 3 3 3 4। आपने देखा कि अगर आगे भी जा रहे हैं तो सेकंड स्टेप भी मैंने किया है, तो आपने भी ध्यान से स्टेप्स को सॉल्व करना है। अब देखिए, अब 3 and 4 हमारी आ गए लोएस्ट टर्म, क्योंकि आगे ये किसी भी टेबल में एक साथ नहीं जाते। अगेन 18 and 42 की कटिंग भी, सबसे पहले अगर आपको बड़े नंबर टफ लगते हैं करने तो आप सबसे पहले 2 से ही स्टार्ट किया करो, तो 8 9 ज़ा, एंड यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 9 ज़ा 18, एंड 2 2 ज़ा 4 होता है, 2 1 ज़ा 1, तो 9/21 है, किसके टेबल में जाते हैं 3 के, 3 3 ज़ा, एंड 3 7 ज़ा, एंड 3/7 हमारा क्या आ गया, लोएस्ट टर्म, इसके आगे हम इसकी और कटिंग नहीं कर सकते। अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं, आई होप वो कटिंग का कंसेप्ट समझ आ रहा है कि हम कैसे कटिंग करते हैं। कटिंग मीन्स कि हम वो दोनों नंबर्स को देख रहे हैं कि वो किसी एक टेबल में आते हैं कि नहीं। जैसे इन दोनों के पीछे 5 है तो हमें पता है 5 का डिविजिबिलिटी रूल, कि जिसके पीछे भी 5 होता है वो नंबर 5 के टेबल में तो जाते ही हैं। तो ये 5 7 35 आ गया, अब ये देख लेंगे 5 के टेबल में कहाँ पे जाता है, 5 1 5 होता है, बच के 2 25, 5 5 25। अगर आपको ऐसे ओरली करने में डिफ़िकल्टी होती है तो आप रफ में डिवाइड करके देख सकते हैं, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको कटिंग करने की भी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो देखिए 7/15 आ गया हमारा आंसर। अब आपने देखना है क्या 18 एंड 45 किस टेबल में जाते हैं, देखो 2 के टेबल में तो नहीं जाते, 3 पे,
तो 3 पे 18 भी आते हैं एंड 45 भी आते हैं। एंड आई होप आज सारे स्टूडेंट्स को 3 का डिविजिबिलिटी रूल तो याद ही होगा। क्या होता है कि हमने अपने डिजिट्स को ऐड करके देखना है, अगर वो 3 पे जाता है नंबर तो यस, जैसे 8 + 1 9, तो 9 3 के टेबल में जाता है तो 18 भी जाएगा। ऐसे 4 + 5 क्या होता है, 9, 9 अगेन 3 के टेबल में जाता है तो 45 भी जाएगा। तो 3 6 जा 3 15 जा 3 1 जा 3 होता है, 4 थे यहाँ पे 1 कैरी बच गई वो बन गया 15, और 3 5 जा 15 होते हैं, देन 3 2 जा एंड 3 5 जा, तो हमारा आंसर आ गया 2/5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बताना है स्टेट ट्रू और फॉल्स, क्या गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो कैसे बताएंगे, तो आपको क्या करना होता है जब भी हमें ये बताना है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने बोला है कि बोथ आर इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती हैं, जो एग्जैक्ट दोनों आपस में इक्वल होती हैं, जिनका आंसर सपोज मैं इसको सॉल्व कर लूँ, रिड्यूस कर लूँ, इसको रिड्यूस कर लूँ लोएस्ट टर्म में, तो जो आंसर आए वो सेम। तो हम दोनों को लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करके देखते हैं। देखो यहाँ पे 0 0 कट हो सकता है, यहाँ बच गया 3/4, तो ये हो गई लोएस्ट टर्म में रिड्यूस। ऐसे हम इसको भी रिड्यूस करके देखते हैं क्या ये किसी टेबल में जाते हैं एक साथ, तो ये 4 के टेबल में जा रहे हैं, 4 3 जा 4 4 जा, तो आंसर आ गया 3/4। इसका आंसर भी 3/4 कटिंग करके, इसका आंसर भी 3/4, तो यस ये स्टेटमेंट क्या हो गई ट्रू, कि ये दोनों क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 30/40 इक्वल है 12/16, क्योंकि दोनों के आंसर क्या आ रहे हैं 3/4, तो ये इनकी स्टेटमेंट क्या है करेक्ट ट्रू स्टेटमेंट है। अब देखिए यहाँ पे भी हमें यही बताना है सेकंड पार्ट में भी, क्या ये दोनों फ्रैक्शन, उन्होंने ये बोला हुआ है दिस एंड दिस, 10/25 एंड 25/10 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, हमें देखना है ट्रू एंड फॉल्स। तो सेम नंबर्स को लिखते हैं और लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करते हैं, तो 5 के टेबल में जा सकते हैं 5 2 जा 5 5 जा, आंसर आ गया 5/2। देन नेक्स्ट फ्रैक्शन को भी करके देख लेते हैं, 5 5 जा 5 2 जा, तो इसका आंसर आ गया 5/2। तो आपको सीधा ही करेक्ट दिख रहा है यहाँ पे कि 2/5 इज नॉट इक्वल टू 5/2, ये दोनों भी इक्वल नहीं है, बट उन्होंने बोला था इक्वल फ्रैक्शन है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई उनकी फॉल्स, ये दोनों इक्वल फ्रैक्शन नहीं है। अगेन देखिए नेक्स्ट पार्ट में भी हमें यही बताना है कि ये गिवन फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है कि नहीं, तो अगेन आप सबको ही लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करेंगे। सबसे पहले देखिए 5 के टेबल में जा सकता है, 7 के टेबल में 7 5 जा एंड 7 7 जा, तो आपका आंसर आ गया 5/7। देन नेक्स्ट पार्ट करके देखते हैं ये कौन से टेबल में जा सकता है, 4 के टेबल में 4 5 जा एंड 4 7 जा 28, ये भी आ गया आपके पास। अब 45 एंड 63 की कटिंग करते हैं, तो ये दोनों नंबर 3 के टेबल में भी जा रहे हैं और 9 पे भी जा रहे हैं। इसे देखो 9 5 जा 45 एंड 9 7 जा 63, इसका भी आंसर आ गया 5/7। देन अब आ गया आपके पास 100/140, देन 0 0 कट गए आपके पास, देन 5 2 के टेबल में 2 5 जा एंड 2 7 जा, तो ये आ गया आपका आंसर 5/7। देखिए सबका आंसर 5/7 ही आया, इट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या हो गई ट्रू, ये सारी फ्रैक्शन आपस में क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, क्योंकि इनको लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करके हमारे पास सेम वैल्यू आई है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6, डिस्टिंग्विश ईच ऑफ द फ्रैक्शन गिवन बिलो एज अ सिंपल और अ कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। हमें बताना है जो फ्रैक्शन दी हुई है वो सिंपल फ्रैक्शन है कि कॉम्प्लेक्स है। अब सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होता है, सिंपल फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होती हैं जिनमें सिर्फ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर कॉम्प्लेक्स, जिसमें जो हमारा न्यूमिनेटर है जहाँ डिनोमिनेटर उसमें अपने आप में एक फ्रैक्शन हो। जैसे देखो यहाँ पे ये साइन है डिवाइड का, ऊपर न्यूमिनेटर है नीचे डिनोमिनेटर है, और जो न्यूमिनेटर में नंबर है ना वो अपने आप में एक फ्रैक्शन, दैट इज मिक्स फ्रैक्शन, तो इट मीन्स इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। जैसे ये कौन सी होगी हमारी सिंपल फ्रैक्शन, ठीक है, ये भी कौन सी फ्रैक्शन है सिंपल फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें भी होल नंबर, जिनके आपने ध्यान से याद रखना है जिनके न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में ओनली होल नंबर होता है, जैसे 0 एंड 8 दोनों होल नंबर हैं, अगर होल नंबर है तो वो है आपकी सिंपल फ्रैक्शन। एंड बाकी अगर होल नंबर के अलावा क्या होता है, मतलब अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए, प्रॉपर आ जाए, जब मिक्सड आ जाए, उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, तो ये भी हमारी कौन सी है सिंपल फ्रैक्शन। अब ये कौन सी फ्रैक्शन हो गई, ये हो गई हमारी कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कैसे, क्योंकि यहाँ पे ऊपर ही हमारे पास क्या आ गया एक मिक्स फ्रैक्शन, तो ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है।
यहाँ पे देखिए फिफ्थ पार्ट में ऊपर न्यूमिनेटर में हमारे पास 6 है, डिनोमिनेटर में है एक मिक्स फ्रैक्शन दैट इज 2 2 ओवर 5। तो ये आपकी कौन सी फ्रैक्शन हो गई? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में सिर्फ होल नंबर्स नहीं है, उसके अलावा एक फ्रैक्शन भी है नीचे। और ये देखिए यहाँ पे न्यूमिनेटर में फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर में भी एक मिक्स फ्रैक्शन, दोनों में मिक्स फ्रैक्शन है, तो ये भी हमारी कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन हो गई। एंड देन यहाँ पे न्यूमिनेटर में मिक्स्ड है और नीचे होल नंबर है, ये भी क्योंकि चाहे न्यूमिनेटर में आ जाए और चाहे डिनोमिनेटर में आ जाए, दोनों में आ जाए वो होती है कॉम्प्लेक्स। बस याद रखना है जब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में सिर्फ होल नंबर है तो ही सिंपल होती है। अब देखिए ये लास्ट पार्ट जो हमारा 8th पार्ट है, ये 8 ओवर 0। तो ये हो गया नोट डिफाइन। जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, किसी भी फ्रैक्शन के किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 आ गया, तो वो होती है नोट डिफाइन, मीन्स इट इज़ नाइदर, ये ना तो क्या है कॉम्प्लेक्स और ना ही सिंपल फ्रैक्शन है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छे से समझ आ गया होगा। आज हमने एक्सरसाइज 3A पूरी अच्छे से कंप्लीट कर ली है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 6। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। होप आपको सारे कंसेप्ट इस एक्सरसाइज के अच्छे से समझ आ गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिलियन माइंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।